हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, ये बात 1945 की है, जब वर्ल्ड वॉर टू अपने आखिरी दिनों पर था और सोवियत यूनियन जर्मनी पर जीत हासिल करके बर्लिन शहर पर कब्जा कर लेती है। ये कहानी उन्हीं आखिरी दिनों में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। सोवियत का कहर किस तरह से जर्मन निवासियों पर बरसा था, ये फिल्म उस घटना पर ही प्रकाश डालती है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1945, अप्रैल 26। रशियन आर्मी बर्लिन शहर में हर तरफ थी। हम देखते हैं बमबारी की वजह से सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पड़ रही थी, हर तरफ धुआं धुआं था। ये कहानी एक महिला पत्रकार बता रही है जिसने इस घटना को एक्सपीरियंस किया था। हम लीना को देखते हैं जो जंग के बीचों बीच शहर में है और वो बच के भाग रही है। रशियन सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स में मुठभेड़ जारी थी, फिर वो बाकी महिलाओं के साथ भागकर एक बेसमेंट में चली जाती है। उस बेसमेंट में बहुत सी महिलाएं थी, तभी वहाँ रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि बिल्डिंग में छिपे हुए जो भी हैं वो बाहर आ जाएं। तभी वहाँ कुछ छिपे जर्मन सोल्जर्स उन पे अटैक कर देते हैं, पर कुछ मिनट में ही वो जर्मन सोल्जर्स को मार देते हैं। उन सबका कमांडर मेजर एंड्रेस था। वो बेसमेंट में चेक करते हैं, वहाँ काफ़ी महिलाएं थी। एक सोल्जर्स दो जर्मन महिलाओं को बाहर बुलाता है, उसमें से एक महिला का नाम बारबल था। एक सोल्जर दिखाता है कि यहाँ आलू है और ये काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ लीना भी आ जाती है, बारबल वो आलू उठाती है। तभी एक सोल्जर उस पर गन पॉइंट कर देता है, वो गन को हटा देती है। सभी उस पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लीना देखती है वहाँ बिल्डिंग के बाहर ही रशियन ने अपना कैंप लगा लिया है। उन रशियन में एक महिला सोल्जर थी जो कि एक मेडिक थी। लीना देखती है बेसमेंट में कुछ सोल्जर्स वहाँ महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। लीना एक सोल्जर को रुकने के लिए कहती है, वो महिला भीतर भागकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। लीना दरवाज़ा पीटने लगती है, वो सोल्जर लीना पर हंसने लगता है। वो उसके पास आता है पर वो उसे भीतर चलने के लिए कहती है, पर आधे रास्ते से लीना भागकर बाहर आ जाती है। वो सोल्जर से कहती है, मैं तुम्हारे कमांडर से मिलना चाहती हूँ। वहाँ एक कैप्टन था, वो उसे अपने पास बुलाता है। लीना उससे मदद मांगती है, तभी वहाँ एंड्रेज आ जाता है। लीना उससे कहती है, क्या तुम इन सब के कमांडर हो? लीना को रशियन भाषा आती थी क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थी, पर एंड्रेज उससे कहता है कि यहाँ सभी कमांडर हैं। सब लीना पर हंसने लगते हैं। वो कहती है कि हमारी मदद करो, पर एंड्रेज वहाँ से चला जाता है। लीना निराशा के साथ वहाँ से चली जाती है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। लीना का बॉयफ्रेंड एक जर्मन सोल्जर था। लीना को वो शब्द याद आने लगते हैं जो हिटलर ने जर्मनी की जनता से कहा था, कि तुम मुझे 30 मिनट दो और फिर तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। लीना बेसमेंट में जा रही होती है, तभी वहाँ एक रशियन सोल्जर उसका ज़बरदस्ती रेप करता है। वहाँ से लीना एक वीडो महिला के अपार्टमेंट में जाती है जो उसे रहने के लिए जगह देती है। वहाँ ऊपर उस कमरे में एक लड़की भी थी, उसका नाम एन था। लीना उससे कहती है, अपना ख्याल रखना। वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उस कमरे में एक जर्मन सोल्जर भी छिपा है, उसका नाम जंगर है, जो कि एन का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों भी उसी कमरे में छिप कर रह रहे थे। नीचे कुछ रशियन सोल्जर्स जर्मनी पर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ऊपर कमरे में बैठे जर्मन शख्स आपस में बातें कर रहे थे कि अमेरिका के हथियार के सामने जर्मनी की आर्मी ढेर हो गई। सबको पता था कि सोवियत यूनियन बिना अमेरिका के मदद के जर्मनी को कभी जीत नहीं पाता। लीना वही बाकी लोगों के साथ बैठी नीचे से आने वाले शोर को सुन रही थी। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी लोग सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज़ सुनते हैं। वो रशियन सोल्जर थे जो भागकर ऊपर आ रहे थे। लीना ये देख डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर जाए तो कहाँ, हर तरफ रशियन आर्मी थी। इसी तरह रोज सोल्जर्स उन महिलाओं का शारीरिक शोषण करते। एक महिला ने सुसाइड कर लिया था और एक महिला को उन्होंने खुद गोली मार दी थी। उसमें से एक महिला थी, उसका नाम एल्से था। उसे अपनी बेटी लेंशन की फिक्र थी जो उम्र में काफ़ी छोटी थी। उसने उन्हें रशियन के डर से छिपा रखा था। तभी वहाँ एक रशियन सोल्जर आकर एल्से पर गन पॉइंट कर देता है और उसे भीतर चलने के लिए कहता है। वहाँ एक सोल्जर आता है जो फिर से लीना का शोषण करता है। जाते वक्त वो लीना से कहता है वो फिर आएगा। उसके जाते ही लीना जोर जोर से रोने लगती है, पर वहाँ उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। वो रोज़ आते और हर महिला का शोषण करते। एक दिन लीना बारबल को लेकर हाई रैंक रशियन कमांडर के पास जाती है, शायद उन्हें वहाँ से कोई मदद मिले। वो मेजर एंड्रेज के पास जाती है। लीना उससे पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? पर वो मना कर देता है।
वो बताती है कि कई दिनों से उसके सोल्जर्स उनकी महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहे हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। एंड्रेस कहता है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। लीना कहती है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी मदद करें। पर वो कहता है, किसकी मदद, मेरे लोगों की या तुम्हारी, और वो मदद से साफ इनकार कर देता है। लीना बाहर आती है, वहाँ एक रशियन लेफ्टिनेंट था एनाटोल। लीना उसकी तरफ जाती है, वो उससे मदद मांगती है, वो मुस्कुराता है। लीना को वहाँ भी कोई उम्मीद नहीं दिखती, वो जाने लगती है। एनाटोल उसे आवाज़ देता है, वो मदद के बदले उसके साथ रात बिताने के लिए कहता है। लीना मान जाती है। हम देखते हैं इल्से के कमरे में जो रशियन सोल्जर है वो उसके बेड पर सो रहा है। इल्से उससे कहती है, तुम्हें सोना है तो सोफा पर सो सकते हो, ये हमारा बेड है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। पर उस सोल्जर को जर्मन भाषा समझ नहीं आ रही थी। इल्से अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करके दिखाती है कि वो मेरा हस्बैंड है, पर वो कुछ नहीं सुनता। इल्से उससे कहती है कि बाहर अपने दोस्तों के पास जाओ, पर वो वहीं बैठ जाता है। शाम एनाटोल अपने सोल्जर्स को लेकर लीना के यहाँ आता है और सब पार्टी करते हैं। लीना एनाटोल से पूछती है, क्या तुम प्रोफेशनल सोल्जर हो? पर वो कहता है, नहीं, यहाँ आने से पहले मैं एक डेयरी फार्म चलाता था। लीना एनाटोल की बातों पर बहुत हंसती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद एनाटोल उसे कमरे में बुलाता है और वही करता है जो बाकी के सोल्जर्स ने उसके साथ किया था। आगे हम देखते हैं लीना अपने बॉयफ्रेंड गर्ट को मिस कर रही होती है। आगे हम देखते हैं वहाँ महिलाओं के शोषण के साथ उन्हें गुलामों की तरह दिन रात काम करवाया जाता था, और जो बूढ़े बुजुर्ग उनके काम के नहीं थे वो उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते थे, जो भूख से तड़प कर दम तोड़ देते थे। लीना घर पर जाती है, वो देखती है वहाँ उससे मिलने एंड्रेस आया था। वो खड़े होकर लीना को रिस्पेक्ट देता है, पर लीना उसे नज़रअंदाज करके कमरे में चली जाती है। एंड्रेस वहीं बैठे सोल्जर रॉटरमिस्ट से लीना के नहाने का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। रॉटरमिस्ट पानी भरकर ला रहा होता है, तभी बाहर बैठा एंड्रोपो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम मॉस्को से इतनी दूर जर्मन्स के लिए पानी भरने आए हो। एंड्रेस ने एक सोप भी मंगवाया था, माशा सोप लेकर आती है। वो इस बात से गुस्से में थी कि एक जर्मन महिला की इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। माशा सोप लेकर कमरे में जाती है जहाँ लीना नहाने जा रही थी। वो लीना से गुस्से में कहती है कि बर्लिन हमारा है, और सोप फेंक कर वहाँ से चली जाती है। लीना फ्रेश होकर बाहर आती है, एंड्रेस उसे अपने पास बुलाता है। लीना को पता था कि ये भी औरों जैसा ही है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है। एंड्रेस ये देखते ही बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शायद वो इस इरादे से लीना के पास नहीं आया था। आगे हम देखते हैं वहाँ रशियन द्वारा जर्मन महिलाओं पर अत्याचार जारी था। वो लोग हर जगह थे, हर एक घर में। उन महिलाओं को आवाज़ उठाने की आज़ादी तक नहीं थी। ये वक्त जर्मनी के सबसे बुरे वक्तों में से एक था। रात सभी सोल्जर साथ बैठे होते हैं। वहाँ एक सोल्जर खड़ा होकर जर्मनी के महिलाओं के लिए काफ़ी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। उसका नाम एस्टर था। एंड्रेस भी वहीं था। वो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। एंड्रोपो उसे शांत होने के लिए कहता है, पर एस्टर उस पर हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं लीना एक डायरी मेंटेन करती है। वो अब तक हुए सारे घटनाओं को उस डायरी में लिखती है। कई बार वो लिखते लिखते रोने लगती, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसे लिख पाना मुश्किल था उसके लिए। पर उसे यकीन था, आज नहीं तो कल ये सब ख़त्म हो जाएगा और उसे एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। लीना देखती है रात डाइनिंग रूम से एन कुछ खाना चुरा रही है अपने और अपने बॉयफ्रेंड जांगर के लिए, क्योंकि दोनों छिप कर रहते थे। इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी, बस वो रात में ही निकलती थी। रात जंगर दुखी भाव से एन से कहता है कि क्या हिटलर हमें भूल गया है? क्या उसे पता भी है हम किस दौर से गुजर रहे हैं? एन कहती है, शायद नहीं। वो एन के हाथ में खाना देख गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो दोनों का भर पेट खाना नहीं था। वो अपनी गन लेता है और रात खाने के इंतज़ाम में निकल जाता है। सुबह हम देखते हैं एंड्रेस उस मकान मालकिन के लिए अच्छी चीज़ें खाने को लाता जिस मकान में लीना रहती थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। वहाँ एक सोल्जर बताता है कि कैसे जर्मन को जंग में उसने धूल चटा दी। लीना ये सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार है। पर एंड्रेस के कहने पर वो सोल्जर बैठ जाता है। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देने लगता है। वहाँ रशियन सोल्जर्स आकर हर एक कमरा चेक करने लगते हैं। एस्टर आकर एक जर्मन बुजुर्ग शख्स को मारने लगता है। एंड्रेस उसे रुकने के लिए कहता है, पर एस्टर हंसने लगता है। वो बताता है कि एक जवान जर्मन सोल्जर ने हमारा खाना चुराया है और वो इसी बिल्डिंग में छिपा है, उसके पास गन भी है। एंड्रेस लीना से पूछता है कि क्या ऊपर कोई रहता है, पर लीना मना कर देती है।
इस पर एस्टर गुस्सा होकर फिर से उस बुजुर्ग शख्स को मारने लगता है। इस बार एंड्रिस जाकर एस्टर को मारने लगता है और उसे बुरी तरह से मारता है। उसके बाद एंड्रिस गुस्से में कहता है अगर उसे कोई जर्मन हथियार के साथ दिख गया तो उसे बिना सोचे गोली मार देगा। एंड्रिस के जाने के बाद लीना ऊपर उस कमरे में जाती है। वहाँ वो जंगल को देखकर शॉक हो जाती है। उसे लगा था सिर्फ उस कमरे में एन ही रहती है, पर शुरुआत से जंगल यहीं छिप कर रह रहा था। लीना वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन खबर आती है कि बेनिटो मुसोलिनी ने खुदकुशी कर ली है, जो उस वक्त इटली का प्राइम मिनिस्टर था। एक्सिस पावर में जर्मनी के साथ इटली भी था। एंड्रिस और बाकी सोल्जर्स मिलकर उसकी मौत पर जश्न मनाने लगते हैं। एनाटोल रोज आता और लीना का शोषण करता, पर एंड्रिस ने अभी तक लीना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दूसरे दिन उसी स्ट्रीट में लीना उसकी पुरानी फ्रेंड एल्क्स से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश होते हैं। लीना उसे अपने साथ भीतर ले जाती है, उसे जैम और वाइन की बॉटल देती है। एल्क उसे छिपा लेती है। लीना एंड्रिस से बात करती है कि ऊपर रह रही एन को वो सेफ्टी दे। एंड्रिस एन की सेफ्टी के लिए रॉटरमिस्ट को वहाँ बिठा देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं एंड्रिस एक लेटर पढ़ रहा होता है। लीना के पूछने पर वो बताता है एक नया मिशन आया है। वो पूछती है क्या तुम हमें यहाँ इसी तरह छोड़कर चले जाओगे, पर एंड्रिस कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। लीना कहती है जंग खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे। वो बताता है कि जहाँ मेरी ज़रूरत होगी। आज पहली बार लीना को एंड्रिस से बात करके अच्छा लगा था। हम देखते हैं लीना बाहर बैठी होती है। वहाँ कुछ सोल्जर्स एक महिला को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। वो महिला लीना से कहती है कि अगर तुम्हें रशियन आती है तो बताओ इन्हें कि मेरा परिवार और मेरे बच्चे हैं, पर लीना कुछ नहीं कह पाती। वो सोल्जर लीना के सामने से उस महिला को घसीट कर लेकर चला जाता है। लीना वहाँ से जाने लगती है। तभी एंड्रिस उससे मिलता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, पर लीना उसका कुछ जवाब नहीं देती। तभी एंड्रोपाव आकर एंड्रिस के कानों में कोई खबर सुनाता है। वो लीना की तरफ देखता है और कहता है कि पुराना जर्मनी ख़त्म हो गया है, और वहाँ से चले जाता है। माशा लीना के पास आती है। वो कहती है कि तुम एंड्रिस का पीछा छोड़ दो, पर लीना कहती है वो मेरे पास खुद आता है, मैं नहीं जाती। पर लीना उसके ऐसा कहने की वजह पूछती है। वो बताती है कि जर्मनी के सोल्जर्स ने मिलकर उसकी वाइफ को मार डाला था। दूसरे दिन हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है। दिन था 30 अप्रैल 1945। हमें पता चलता है कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली है। वहाँ एक जर्मन ऑफिसर आया था। वो बताता है कि हिटलर उन सबको धोखा दे गया जो उसकी मदद कर रहे थे। वो बताता है कि बर्लिन की जंग में जिन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई उससे हमें कुछ नहीं मिला। सभी घर के भीतर दुखी मन से उस ऑफिसर के अनाउंसमेंट को सुन रहे थे। वो कहता है जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ इस जंग को ख़त्म करने का एग्रीमेंट कर लिया है। सभी रशियन सोल्जर्स जर्मनी पर जीत का जश्न मनाने लगते हैं। घर में सब इस बात से दुखी बैठे होते हैं क्योंकि हिटलर ही उनकी आखिरी उम्मीद था। अब सभी लोगों की ज़िंदगी उनके हाथों में थी। हम देखते हैं रात पैट का ऊपर एन के कमरे में जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तभी जंगर उस पर गन फायर करता है, पर पेटका बच जाता है। सभी बाहर उस गन शॉट को सुन लेते हैं। पेटका जंगर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और जंगर की मौत हो जाती है। बिल्डिंग की सारी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उस कमरे से उन्हें एक गन और एक ग्रेनेड मिलता है। एन गुस्से में रशियन के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती है। एंड्रिस उसे गोली मारने का आदेश देता है। फिर वो लीना और बाकी महिलाओं की तरफ देखता है। वो पूछता है क्या तुम्हें गन की जानकारी थी, पर लीना मना कर देती है। एंड्रोपाव उसे सभी को मारने के लिए कहता है, पर एंड्रिस इस पर कुछ नहीं कहता। इस पर एंड्रोपाव कहता है इस बात की रिपोर्ट मैं सोवियत को भेजूंगा, पर एंड्रिस बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सब बाहर एंड्रिस को देख हंसने लगते हैं कि वो एक कायर है, पर एंड्रिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात एनाटोल लीना के कमरे में आता है। वो लीना के साथ इंटीमेट होने जाता है। तभी वहाँ एंड्रिस आ जाता है। वो एनाटोल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंड्रिस लीना से कहता है हम रशियंस बहुत बुरे हैं, हम किसी जर्मन को शूट करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। फिर वो लीना को लेकर हॉल में आ जाता है और बाकी लोगों को भी जश्न के लिए इकट्ठा करता है। सब वहाँ सेलिब्रेट करने लगते हैं। रात सिर्फ लीना और एंड्रिस अकेले साथ बैठे होते हैं। लीना उससे बताती है कि जिस तरह तुम अपने देश से बहुत प्यार करते हो उसी तरह मुझे भी अपने देश से प्यार है। एंड्रिस बताता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जंग इस तरह से ख़त्म होगा। वो कहती है जंग ने हमारे शब्दों को बदल दिया है
अब प्यार का मतलब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लीना अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र करती है। एंड्रेस को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो वहाँ से जाने लगता है पर लीना उसे रोक लेती है। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा था। सुबह लीना इल्से के कमरे में जाती है, देखती है वो अपने हस्बैंड की लाश पर रो रही है। रात उसके हस्बैंड ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। उसे ये सब और नहीं देखा जा रहा था। वहाँ से लीना अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। लीना देखती है वहाँ एंड्रो पॉ था। वो पूछती है एंड्रेस कहाँ है। वो बताता है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है और वो बर्लिन छोड़कर रशिया जा रहा है। लीना को बहुत दुख होता है। एंड्रेस बस उसके लिए एक नोट छोड़ गया था। तभी वो पीछे देखती है वहाँ उसका बॉयफ्रेंड गर्ड खड़ा था। वो जंग में बच गया था। काफ़ी देर तक वो लीना से कुछ नहीं कहता है। उसे रशियन द्वारा किए हुए शोषण के बारे में सब पता था। इस बात को लेकर उसका ख्याल काफ़ी बदल गया था। लीना उसे वो बुक देती है जिसमें उसने सारी घटनाओं का जिक्र किया है। शायद उसे इससे समझाने में आसानी हो कि वो किस दौर से गुजरी है, पर उससे गर्ड की सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लीना वहाँ से निकल जाती है। वो एंड्रेस से आखिरी बार मिलना चाहती थी। वो देखती है एंड्रेस जा रहा है। वो लीना के पास आकर रुकता है। लीना उसे धन्यवाद देती है उसने जो भी उसके लिए किया। दोनों के लिए वो पल काफ़ी इमोशनल था। एंड्रेस खुद को किसी तरह से संभालता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लीना गर्ड के अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ गर्ड सारी चीज़ों को गुस्से में यहाँ वहाँ कर रहा था। अपार्टमेंट बुरी तरह से तबाह हो चुका था। लीना उसकी मदद करती है। वो उसकी ये हालत देख इमोशनल हो जाती है। जंग ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अगले दिन वो लीना को छोड़ वहाँ से चला जाता है। पर लीना को भी अब अकेले रहने की आदत सी हो गई थी। अब उसे भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्ड उसके साथ हो या ना हो। आखिरी सीन में हम देखते हैं लीना रशियन सोल्जर्स के बीच से गुजर रही है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मार्था हिलर्स के जीवन की एक सच्ची कहानी है, जो एक जर्मन जर्नलिस्ट थी। इस फिल्म में जो लीना है उसने मार्था का ही रोल प्ले किया है। ये फिल्म मार्था की लिखी हुई बुक अ वुमन इन बर्लिन पर ही आधारित है। मार्था ने उसमें सभी बातों का जिक्र किया है जो सोवियत ने जर्मन महिलाओं के साथ किया था। करीब 10 साल बाद 1954 में मार्था की बुक को पहली बार अमेरिका में पब्लिश किया गया था। वहाँ के लोगों ने इस किताब को काफ़ी सराहा और उसके बाद ये किताब आया भाषाओं में पब्लिश की गई। पर जब 1959 में इस किताब को जर्मनी में पब्लिश किया गया तो जर्मनी के लोगों ने इसका खुल के विरोध किया। उनका कहना था कि ये किताब जर्मन महिलाओं के चरित्र को ठेस पहुँचाती है। विवादों के चलते मार्था ने उस बुक का कोई दूसरा एडिशन नहीं पब्लिश किया और कुछ दिनों बाद वो शादी करके स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई। मार्था ने उसके बाद जर्नलिज्म भी छोड़ दिया। मार्था की मृत्यु 2001 में हुई। मैं मार्था की हिम्मत को सराहता हूँ कि उसने इतने मुश्किल हालातों में भी अपनी कहानी को लिखा और लोगों तक पहुँचाया, वरना बर्लिन का ये घिनौना इतिहास भी दफन होकर रह जाता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।